भारत को कभी स्लीपिंग जायंट के नाम से जाना जाता था, हमने अब उस पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया है और हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मील के पत्थर पर पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा कि शिक्षा से लेकर डिजिटल तकनीक तक हमने जो प्रगति हासिल की है वह लोकतंत्र के भविष्य को उज्ज्वल करेगी। उपराष्ट्रपति द्वारा रामदेव बाबा विश्वविद्यालय के डिजिटल टावर की आधारशिला का अनावरण एवं उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयोजित एक विशेष समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, रामदेव बाबा सार्वजनिक समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल, कुलाधिपति डॉ एसएस मंथा, कुलपति डॉ आरएस पांडे, सचिव राजेंद्र पुरोहित सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम विश्व लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा ही सेवा है, इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने शिक्षा के व्यवसाय से अधिक रामदेव बाबा शिक्षण संस्थान द्वारा आदर्श विद्यार्थी बनाने में किए गए योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी के माध्यम से चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा होते हैं। उन्होंने छात्रों से इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी प्रौद्योगिकियां गेम चेंजर होंगी, ऐसा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत तेजी से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्रगति के इस यात्रा में डिजिटल अर्थव्यवस्था का अद्वितीय महत्व है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और इस डिजिटल क्रांति के कारण किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थियों को दिया जाने वाला लाभ बिना किसी मध्यस्थ के सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तुलना में हमने जो महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है उसे सभी देश आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का एक नया द्वार खुला है। इसमें कई अवसर छुपे हुए हैं। ये तकनीक अब गांव में जड़ें जमा चुकी है और अब हमें कुशल जनशक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि रामदेव बाबा जैसे त्याग पर आधारित संस्थान से निकले छात्र देश की प्रगति में योगदान देंगे। पूर्व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि 3 इंजीनियरिंग शेडों से शुरू हुई रामदेव बाबा कॉलेज की यात्रा को शिक्षकों ने ही विश्वविद्यालय की स्थापना तक पहुँचा है। उन्होंने गर्व से कहा कि यहां 300 शिक्षक उच्च गुणवत्ता वाले हैं और 200 शिक्षक डॉक्टरेट है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को महात्मा गांधी द्वारा सिखाए गए सरल जीवन को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर रामदेव बाबा सार्वजनिक समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल ने चिंता व्यक्त की। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ ने एक पेड़ मन के नाम अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। अतिथियों ने रामदेव बाबा की छवि पर माल्यार्पण कर नमन किया। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज टेकन ग्लोबल लीड इन दीज टेक्नोलॉजीज। Our quantum computing mission, a huge allocation of 6,000 crores, will be a game changer in computing world. Green hydrogen mission by 2030, already allocation of 19,000 crores will create 8 lakh jobs with 8 lakh crore investments. ये ऐसी चीजें हैं जिसी की वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। सरकारी नौकरी की वजह से नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं एंड वी हैव इनफ टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट एरिया। बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव टू लिव विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, बट वी हैव टू कीप देम इन चेन्स। We have to keep them regulated. We have to keep them to our advantage. And I have no doubt with your application of mind and the facility which has been inaugurated today will give you cutting edge and will take you a long way. आने वाले समय में दुनिया पर वही राज कर पाएंगे जिनके पास डेटा है, जो डेटा मैनेज करते हैं, जो डेटा माइनिंग करते हैं और जो डेटा के आधार पर अपना कामकाज चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसके कारण
भारत को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, जिस अवसर को हमारे ये जो मानव संसाधन हमारी यूनिवर्सिटीज तैयार कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज निश्चित रूप से इस मानव संसाधन के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को अपने आप ग्रैब करेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को बदल रहा है, जिस प्रकार से जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आ रही है, मुझे ऐसा लगता है उसको स्वीकार कर आज हमारी यूनिवर्सिटीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, डिजिटल इकोनॉमी का उपयोग करते हुए, डिजिटाइजेशन का उपयोग करते हुए लोगों के जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन कैसा कर पाए, इस प्रकार का विचार हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। The cool new Glanza. Go hatchin', go awesome.